दोस्तों, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मी में राहत पाने के लिए सभी कुछ ना कुछ ठंडा पीते हैं या फिर खाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी, जो सिर्फ एक ही चीज़ से बन के रेडी होगी, वो है मैंगो। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ केसर केरी, जिसके यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब उसे हम मिक्सचर जार में ग्राइंड करने वाले हैं। ना इसमें मैं दूध ऐड करूंगी और ना ही पानी ऐड करूंगी। हाँ, अगर आपकी केरी खट्टी है तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस कर रेडी कर लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम प्लास्टिक के कंटेनर में इसे डालेंगे और उसके ऊपर आप चाहो तो इस तरीके से ड्राई फ्रूट डाल के डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता ऐड किए हैं। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 8 से 9 घंटे के लिए। 8 से 9 घंटे में ये आराम से सेट हो जाएगी। तो लीजिए, रेडी है आपकी मैंगो आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम को मैंने किसी स्कूपर की हेल्प से नहीं निकाला है। इस तरीके का चम्मच सबके घर में आसानी से अवेलेबल होता ही है, तो उसकी मदद से आप भी इसे निकाल सकते हैं। आइसक्रीम चाहे किसी भी शेप में हो, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो उसे खाने में बेहद ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम निकाल ली है और फिर से मैं यहाँ पर पिस्ता और काजू इस पर सजा रही हूँ। और मेरे पास कुछ चोको चिप्स भी हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो आप इस पर सजा सकते हो। और यहाँ पर कुछ कलरफुल स्टार्स भी हैं मेरे पास, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब बारी आती है इसे टेस्ट करने की। ये देखिए कितनी क्रीमी है, वाओ, कितनी क्रीमी आइसक्रीम लग रही है ये। बिना मेहनत के हमने इसे घर में बनाया है, सिर्फ एक ही चीज़ की मदद से हमने इसे बनाया है। आसानी से बच्चे भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आप भी सोच क्या रहे हो, फटाफट से जाइए और इस आइसक्रीम की रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए हमें भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।